आज के लेक्चर में हम लोग मोंटमोलियोनाइट ग्रुप को पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्यूलिनाइट ग्रुप को पढ़े थे। ये दूसरा क्ले का क्लासिफिकेशन है। आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम होगा मोंटमोलियोनाइट ग्रुप को डिफाइन करना और इसके स्ट्रक्चर को समझना और मोंटमोलियोनाइट ग्रुप के एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना। तो मोंटमोलियोनाइट ग्रुप के जो मिनरल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर 3-लेयर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि 2 सिलिका टेट्राहाइड्रोन लेयर होता है और 1 एल्युमिना ऑक्टाहाइड्रोन लेयर होता है। एल्युमिना ऑक्टाहाइड्रोन लेयर जो होता है वो 2 सिलिका टेट्राहाइड्रोन लेयर के बीच में रहता है, जो कि ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। ये देखो, ये टेट्राहाइड्रोन लेयर है ऊपर का, ये येल्लो वाला सिलिकॉन है, ये 3 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन, और ये जो है ऑक्टाहाइड्रोन लेयर है, इसमें यहाँ एल्युमिना है, ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन है, और ये सिलिका है, सिलिका का लेयर है, सिलिका टेट्राहाइड्रोन का लेयर है। तो 2 टेट्राहाइड्रोन लेयर के बीच में एक एल्युमिना ऑक्टाहाइड्रोन लेयर है, ये दिख रहा है ना, 2 टेट्राहाइड्रोन लेयर के बीच में एक एल्युमिना ऑक्टाहाइड्रोन लेयर है, और ये कंप्लीट एक सेट है मोंटमोलियोनाइट ग्रुप के मिनरल्स का। ये कंप्लीट एक सेट है, और ये जो सेट है ए और बी डायरेक्शन, हम लोग जानते हैं कि 3 डायरेक्शन होता है, ए बी सी या एक्स वाई जेड। तो ए और बी डायरेक्शन में ये फैला हुआ रहता है, ये पूरा ये बगल 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 में फैला हुआ रहता है, और सी डायरेक्शन में इस लेयर की स्टैकिंग की हुई रहती है, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, इस तरह की स्टैकिंग की हुई रहती है। और सी डायरेक्शन में एक लेयर दूसरा लेयर से जो है वो वंडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक वंडरवाल फोर्स, आप लोग जानते हैं। तो अब ये जो 3 लेयर्स है वो कंटिन्यूस होता है ए और बी डायरेक्शन में, और सी डायरेक्शन में इसका स्टैकिंग किया हुआ रहता है। सक्सेसिव यूनिट लेयर जो है, जो 3 लेयर का एक यूनिट लेयर था, वो सी डायरेक्शन में वंडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जो कि बहुत वीक फोर्स है। वंडरवाल फोर्स जो है बहुत वीक फोर्स है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए वंडरवाल फोर्स जो है आसानी से ब्रेक हो जाता है। जो हम लोग क्यूलिन ग्रुप में देखे, वो 2 लेयर जो था, 2 यूनिट लेयर या सक्सेसिव यूनिट लेयर जो था वो जुड़ा हुआ रहता था हाइड्रोजन लेयर से, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे कोई फ्री हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए ये वंडरवाल फोर्स से जुड़ा हुआ रहता। तो इससे क्या होता है, जब इस लेयर, इस ग्रुप के मिनरल्स को हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो वाटर जो है इसके लेयर में, इंटर लेयर में, 2 लेयर के बीच में जो है पेनिट्रेट करता है। और वाटर में हम लोग जानते हैं सोडियम होता है, और सोडियम जो है रिएक्ट करता है वहाँ, और सोडियम रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और उस रिएक्शन से एक एनर्जी पैदा होता है और एक हीट पैदा होता है। हीट जो है इतना ज़्यादा पैदा हो जाता है कि जिससे कि वंडरवाल फोर्स जो है, जो कि 2 लेयर को आसानी से होल्ड करके रखता है, वो ब्रेक कर जाता है, वो टूट जाता है, जिससे कि 2 लेयर आपस में स्वेल करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब बॉन्ड जो 2 लेयर के बीच में बॉन्ड होगा वो ब्रेक कर जाएगा, तो एक दूसरे के ऊपर स्वेल करने लगेंगे, फिसलने लगेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं कि स्वेलिंग प्रॉपर्टी ऑफ मोंटमोलियोनाइट ग्रुप क्ले मिनरल्स, इसको हम लोग कहते हैं स्वेलिंग प्रॉपर्टी ऑफ मोंटमोलियोनाइट ग्रुप मिनरल। इसका ये होता है, इसके कारण जो स्वेलिंग के कारण क्या होता है कि ये मिनरल्स का स्ट्रक्चर एक्सपांड कर जाता है, एक दूसरे पे स्वेल किया, जो बॉन्ड था ब्रेक हुआ, इसे एक्सपांड कर जाएगा स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इस मिनरल्स को जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो रिएक्शन के कारण हीट जो जनरेट हुआ, बॉन्ड का ब्रेक हुआ, इसे स्वेल किया, स्वेल करने के बाद ये स्ट्रक्चर जो है एक्सपांड हो जाता है।
और जब जिबसाइट लेयर या एलुमिना टेट्राहाइड्रोन सेंट्रल लेयर होता है और सिलिका टेट्राहाइड्रोन जो है वो दोनों साइड होता है, तो आइडियल फार्मूला जो होता है Al2SiO5OH होता है, और ये फार्मूला जो है पायरोफिलाइट का होता है, ये फार्मूला जो है वो पायरोफिलाइट का होता है। आप देख लीजिए ठीक से Al2SiO5OH, ये जो फार्मूला होता है ये पायरोफिलाइट का फार्मूला होता है, जो कि मोंटमोरियोनाइट ग्रुप का एक मिनरल्स है। दूसरे मेंबर की बात करें इसी ग्रुप का, तो टाल्क होता है। टाल्क को हम लोग आगे के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। ये दो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि मोंटमोरियोनाइट ग्रुप के हैं। पायरोफिलाइट को जो है आसानी से माइनिंग कर सकते हैं, बहुत जगह नेचुरली अकरिंग ये रॉ मटेरियल्स होता है, और इसमें जो है एक्सलेंट थर्मल स्टेबिलिटी होता है। जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये आसानी से एक्सपांड नहीं करता है, तो इस वजह से हम लोग इस मटेरियल को, पायरोफिलाइट मटेरियल को क्ले के साथ मिक्स करते हैं और बॉडी को बनाते हैं, ताकि ये थर्मल एक्सपांशन को रिड्यूस करता है जब हम लोग इसको फायरिंग करते हैं। जब क्ले बॉडी को फायर करते हैं तो हम लोग देखे कि क्ले का कई सारा ट्रांसफॉर्मेशन था, क्रिस्टोबलाइट, टीडियमाइट, तो ये वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा था, वॉल्यूम जो है एक्सपांड कर रहा था, उस एक्सपांशन को हमको कम करना होता है, तभी क्रैक का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पायरोफिलाइट को ऐड करते हैं ताकि उसका जो थर्मल एक्सपांशन कोफिशियंट है वो रिड्यूस हो सके जब हम लोग बॉडी को फायर करें तब। तो ये इसका कुछ खास प्रॉपर्टीज है मोंटमोरियोनाइट ग्रुप का, तो थ्री लेयर एक्सपांडिंग स्ट्रक्चर, स्वेलिंग प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ ये थर्मल एक्सपांशन कोफिशियंट जो है इसका कम होता है, और दूसरे मटेरियल का भी ये लो करता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।